रक्षाबंधन के दिन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को लेकर बना हैशटैग हमर विष्णु भैया आज ट्रेंड में रहा। सीएम साय ने रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। तो हमर विष्णु भैया आज ट्रेंड करता हुआ नजर आया, टॉप में ट्रेंड करता हुआ नजर आया और तस्वीरें वो भी आप देख रहे हैं जब बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, छत्तीसगढ़ के खुशहाली की कामना की। पूरे प्रदेश में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रायपुर के सेंट्रल जेल में भी बड़ी संख्या में बहनें सुबह से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची। जेल में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जो बहनें हैं उन्हें राखी बांधने का वक्त दिया गया था। पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन की धूम जो है वो नजर आ रही है। तस्वीर हम आपको साझा करना चाहेंगे कि देखिए बड़ी संख्या में जेल में बहनें जो हैं अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधने के लिए यहाँ पर जो है पहुँच रही है। सुबह 9 बजे से ही बहनों के सेंट्रल जेल में आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो की गई है। बहनों को सेंट्रल जेल के अंदर केवल राखी लेकर पहुँचने की अनुमति जो है वो दी गई है। इसके साथ ही तमाम सामग्रियां लेकर बहन अपने भाइयों के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं दीदी? आराम से। भाई को राखी बांधने आज यहाँ पर आप आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लंबा इंतजार आपने किया होगा। बहुत अच्छी। तो देखिए बहनों में खासा उत्साह है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। कुछ लोगों की आंखें भी यहाँ पर नम हो रही है क्योंकि लंबे समय से वो अपने भाइयों को राखी बांधने का जो है बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसके अलावा और भी तमाम तैयारियां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने का सिलसिला जो है यहाँ पर लगातार जारी है और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास हम करेंगे कि उनमें कैसा उत्साह है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। भाई को राखी बांधने के लिए आज आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है? अभी तो सुबह से आए हैं 8 बजे से, अभी इतना टाइम हो गया, अभी तो हुआ नहीं है मुलाकात। और भी लोग और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस मजार